नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मस्ट ऑफ स्टोरीज में। कल हमारे मोहल्ले में एक कथा हो रही थी। रात का शांत वातावरण था, इसलिए वहां से मुझे ये कथा साफ सुनाई पड़ रही थी। मुझे इंटरेस्ट आने लगा तो मैं लेटे लेटे ही ध्यान से सुनने लगी। मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन ये मैंने पहले भी सुनी हुई थी। तो याद आया कि अंत में पंडित जी ने बोला था कि यह कथा घर में सबको सुनाना, तो चलिए आप भी सुनिए। नंद किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी नंद किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, या फिर वह कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी नंद किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी के साथ वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। वह पति पत्नी अक्सर वृंदावन धाम हाजिरी लगाने जाया करते थे, तो मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र नंद किशोर को भी देता चलूं। वह दोनों अच्छे मित्र थे। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तो नंद किशोर का एक कारीगर सोने और हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर नंद किशोर को देने के लिए आया। नंद किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंच गया। नंद किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। नंद किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार लड्डू गोपाल जी के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल जी के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। दोनों मित्र आपस में मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि किसी को भी इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। नंद किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था। वह दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा, तब उसकी नज़र अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर पड़ी तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो टैक्सी वाले को देख कर ही मुस्कुरा रहे हों। बाबू यह देखकर एकदम घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था, और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था, तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को देखा तो वह देखती ही रह गई। इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उन दोनों की शादी को 8 साल हो चुके थे, उनके अभी तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर कर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसने महसूस किया कि उसकी छातियों से दूध रिसने लगा है।
अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोली, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को फटाफट अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी और बोली, अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम थक गए होगे, तुम्हें भूख भी लगी होगी। और उसने जल्दी से मधु और घी से बनी चूरी गुनगुने दूध के साथ ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर नंद किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है, तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है, मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। नंद किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है, अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक बहुत ही सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि यह हमारा बेटा है और यह हमारी बेटी है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। एक दिन नंद किशोर को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहाँ पर बाबू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुँचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि नंद किशोर को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच ना सका। और तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान नंद किशोर को पूछा, बाबू जी, आप यहाँ क्यों खड़े हो, बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और न ही कहीं और रुक पाओगे, मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। नंद किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी पे बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। नंद किशोर ने देखा कि बाबू का घर बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो नंद किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे, वहाँ से उसको अजीब तरह का प्रकाश भी नजर आ रहा था। तो हार कर नंद किशोर ने बाबू को पूछा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है, मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो नंद किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। नंद किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। फिर भी नंद किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए हो। बाबू, जिसके मन में कोई भी छल खपट नहीं था, उसने नंद किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके आने से हमारे घर से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो नंद किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है। तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते,
हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल अनमोल है। तो नंद किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया, जब नंद किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा, तभी बाबू ने उनको आवाज़ लगाई कि बाबू जी जरा रुकिए, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन नंद किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब नंद किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। नंद किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहने रखा, मैंने उनको पैसों का सुनाया, तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। तो पंडित जी ने अंत में यह कहा कि हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए, कथा का सार यह है कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर से सेवा लेनी है, यह वही जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी को बड़े बड़े पकवान नहीं, बल्कि भाव से खिलाई गई छोटी से छोटी चीज़ को भी ग्रहण कर लेते हैं। हे नाथ, आप बहुत ही दयालु हैं। कमेंट में लड्डू गोपाल जी के लिए अपनी श्रद्धानुसार दो शब्द जरूर लिखें। जय श्री राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री हरि।